Good morning, students. Now we will start with our second topic of chapter number 18, and the topic is why prices should be controlled. Now, in the previous video, I have told you the reasons of the price rise. Okay, why the prices are going on increasing of the necessary commodities. Okay, and this gives an effect to the middle class and to the poor class people. So a need arises to have a control on the prices. But what it gives the effect, price rise होता है तो वो हमारी life में क्या effect करता है, आम जनता को या citizens को क्या फर्क पड़ता है with the price rise, that we will study in this topic, a very small topic. Now, first of all, this price rise we can say is a vicious circle. पूरा it goes on in a circular manner. एक price rise होता है, उसका effect दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, again it goes on. Now, first of all, price rise, because of price rise, I have told you there is an increase in the profit. Manufacturers and sellers को profit होता है. Okay, and with that there is increase in income. वो अगर wages और salaries बढ़ाता है तो there is increase in the income of the people. So what will happen? There will be an increase in the purchasing power of the people. लोगों की सैलरी बढ़ गई तो लोगों के हाथ में पैसा आ गया. पैसा आ गया मतलब वो ज़्यादा खर्च करेंगे, मतलब परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गया. अब वो खर्च करना चाहेंगे, मीन्स देर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट में उन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी. तो वॉट विल हैपन? द लाइव्स ऑफ द पुअर एंड द मिडिल क्लास पीपल बिकम मिजरेबल. वो अगर प्राइस राइज को इफेक्ट दे रहा है, आम जनता ने डिमांड किया है, प्राइस इंक्रीज हो गए, तो जो पुअर क्लास लोग हैं वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो प्राइस राइज का इफेक्ट हम किसके ऊपर देख रहे हैं? पुअर क्लास एंड द मिडिल क्लास पीपल के ऊपर. ओके, उनको फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि उनकी सैलरीज आर स्टेबल, सैलरीज आर द सेम, बट द कॉमोडिटीज द प्राइजेज हैव इंक्रीज्ड. आज मेरी सैलरी अगर सपोज 5000 रुपीज है, तो 5000 में से मुझे दाल, चावल, राइस, घर की जो जरूरी चीजें हैं, दूध है, वो सब खरीदना है. अब तीन महीनों के अगर अंदर प्राइस इंक्रीज हो गया, सैलरी तो उतनी ही रहेगी, 5000 रुपया ही है, पर अगर दाल चावल का प्राइस इंक्रीज हो गया, दूध का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो व्हाट विल हैपन? मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा. पहले मैं उन 5000 में से सपोज 1 किलो दाल लेकर आती थी, बट अब जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो मैं 1 किलो दाल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी. मे बी आई परचेज 3/4 kg ऑफ दाल, 3/4 kg ऑफ राइस. तो व्हाट इट शोज दैट माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज डिटोरिएट. तो ये ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है? टू द पुअर एंड द मिडिल क्लास पीपल. नाउ सेकेंड इज द रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज. व्हाट हैपेंस कि सपोज आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, एवरी मंथ मेरा सैलरी तो उतना ही है. सपोज आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ, एंड फ्रॉम दैट आई सेव 1,000 रुपीज पर मंथ, वो मेरा रेगुलर चलता आ रहा है, और 9,000 रुपीज मेरा खर्चा हो रहा है पूरे घर के ऊपर. बट नाउ व्हेन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, सैलरी उतनी ही है 10,000 रुपीज, प्राइस इंक्रीज हो गया, मेरा घर का जरूरतें तो सेम है, माय डिमांड्स आर द सेम, मुझे घर के लिए दाल, चावल, दूध, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्सपेंसेस आर द सेम. सो व्हाट विल हैपन? उससे मेरा सेविंग्स कम हो जाएगा, मुझे खर्चा उतना ही करना है. 9000 रुपए के बदले अब मैं सपोज 9500 रुपीस मेरा खर्चा हो गया. क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से. तो मेरा पहले सेविंग 1000 होता था, अब सेविंग डिक्रीज हो गया टू ओनली 500 रुपीस. प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीजेस. न्यू बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स. सेविंग सिर्फ आम जनता की नहीं, इवन जो बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी सेविंग रेट कम हो जाता है. उनका अगर सेविंग कम हो जाएगा तो वो अपने बिजनेस में वापस रोटेशन में जो पैसा डालते हैं वो कम हो जाएगा. हो सकता है नहीं डाल पाए. तो व्हाट विल हैपन? जो इंडस्ट्रीज हैं वो रोटेशन ऑफ मनी और द रोटेशन ऑफ प्रॉफिट्स कम्स टू अ स्टॉप. तो धीरे धीरे ये सबके ऊपर इफेक्ट करता है. प्राइस राइज गिव्स एन इफेक्ट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो ये हमारे नेसेसरी कॉमोडिटीज हैं या जो भी उत्पादन हो रहा है उसको भी रोक लगा सकता है, इज़न्ट इट? तो प्राइस राइज हैज गॉट सम नेगेटिव इफेक्ट्स.
थर्ड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस. ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस मतलब आज हमारे पास पैसा नहीं है प्राइस राइज की वजह से, वी डोंट हैव सेविंग्स, या हम अपना बिजनेस में पैसा नहीं डाल पा रहे हैं, तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, कम हो गया है. देन देयर इज इंक्रीज इन द वी कैन से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. हमारा इम्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इंक्रीज है हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंट व्हिच गिव्स राइज टू द न्यू प्रॉब्लम्स. दैट मीन्स वॉट, कि हम इम्पोर्ट तो कर रहे हैं बट हमारे पास पैसा नहीं है उतना चीज़ें इम्पोर्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ द प्राइस राइजेस, इज़न्ट इट. तो वो एक यू नो मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट देगा, नए नए प्रॉब्लम्स लाएगा. फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो होगा वो खर्चा, जो यू नो मनी का लेन देन होता है इन द फॉरेन करेंसी, उसके ऊपर इफेक्ट लाएगा, इज़न्ट इट. सो दिस प्राइस राइज सिर्फ हमारी कंट्री के पैसों पे नहीं, यू नो हमारा जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है. ओके, सो दिस गिव्स एन डिक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्यों? हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम फॉरेन कंट्रीज में अपना पैसा लगा सकें या वहां से चीजें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें. नाउ प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस, सो स्केसिटी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल डिटोरिएट्स, पुअर बिकम्स मोर पुअर. ओके, अब मैन्युफैक्चरर के पास पैसा नहीं है, प्राइस राइज इंक्रीज हो गया है, सेविंग्स कम हो गई हैं या ना के बराबर है, तो व्हाट विल हैपन देयर, यू नो मैन्युफैक्चर जो हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस, प्रोडक्शन कम हो गया और मार्केट में उन सब चीज़ों का क्या हो जाएगा, स्केसिटी हो जाएगी. देयर विल बी यू नो सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज विल बी लेस. सप्लाई कम हो गया मीन्स वॉट, द प्राइस विल इंक्रीज, या प्राइस इंक्रीज हो गया है तो सप्लाई कम हो गया है. वन एंड द यू नो वी कैन से टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो दिस विल इफेक्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. वो धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करेगा, कम कर देगा. आज मार्केट में चीज़ें नहीं हैं, हमको महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, तो बहुत बार हम छोड़ देते हैं कि नहीं हमको इतना महंगा नहीं खरीदना है. या मैंने बताया कि जैसे एक किलो चावल के बदले अब हम महंगाई की वजह से क्या करेंगे, 3/4 किलो चावल खरीदेंगे. मीन्स वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, डिटोरिएट हो गया. सो हियर बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज वी से द पुअर बिकम्स मोर पुअरर. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेस. अगर रॉ मटेरियल का जैसे मैंने बताया था प्राइस इंक्रीज हुआ है सपोज, तो द अल्टीमेट इफेक्ट विल बी ऑन द फिनिश गुड्स. तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस. सपोज पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो फिनिश गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया. अदरवाइज वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाता है, तो वो इंक्रीज हुआ है, इट बिकम्स एक्सपेंसिव. कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेस. बहुत बार यू नो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फिनिश गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट का वैल्यू भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ. कंपैरेटिवली इंपोर्टेड गुड्स बिकम चीप. हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसका कॉस्ट ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज्यादा हो गया है. ऑन द अदर कॉन्ट्ररी हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स दैट आर चीपर, वो सस्ते में मिलते हैं. बहुत बार तुम देखोगे चाइना के गुड्स हमारे कंट्री में कितने सस्ते भाव में मिल रहे हैं, तो पीपल विल प्रिफर टू बाय सच टाइप ऑफ गुड्स व्हिच आर चीपर इन द मार्केट. सपोज नॉर्मल थिंग्स यू से टॉयज आर देयर, आज इंडियन टॉयज आर मोर एक्सपेंसिव देन द चाइना टॉयज, तो पीपल प्रिफर टू बाय चाइना टॉयज. रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीजेज एंड इम्पोर्ट इंक्रीजेज. उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट में भी फर्क पड़ता है. बाहर की कंट्रीज भी हमारे गुड्स परचेज नहीं करना चाहते, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स, तो इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहा है. बैलेंस ऑफ एक्सचेंज इज डिस्टर्ब्ड. अब जब हमने इम्पोर्ट किया है गुड्स, हमको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है. हम इम्पोर्ट कर रहे हैं मीन्स वी हैव टू पे, तो वी हैव टू पे मोर. हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम कमाएंगे उसमें से, पर अब एक्सपोर्ट ही कम हो गया है तो हमारी कमाई भी क्या हो गई है, कम हो गई. सो कमाई कम है और पेमेंट्स ज़्यादा है, सो दिस इज एन इम्बैलेंस इन द
वी कैन से एक्सचेंज, जो मनी करेंसी हमारा एक्सचेंज हो रहा है विद द फॉरेन करंट कंट्रीज, दैट इज बीइंग डिस्टर्ब. सो इम्बैलेंस इज क्रिएटेड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. द लास्ट वन इज लिविंग स्टैंडर्ड डिटोरिएट्स. यू नो मैंने पहले भी बताया था, विद द प्राइस राइज हमारा लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ता है. वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग विद द इंक्रीज इन द प्राइजेस. नाउ लिविंग स्टैंडर्ड जब डिक्रीज होता है तो बहुत बार यू नो पीपल की डिमांड तो उतनी ही रहती है. यू नो दे वॉन्ट सच थिंग्स, लग्जरियस आइटम्स हमको चाहिए ही चाहिए. हम देखते हैं एक दूसरे को कि इसके पास है मेरे पास नहीं है. तो वॉट हैपन्स, इट गिव्स एन यू नो नेगेटिव इफेक्ट. नाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, इमोरल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, बेटिंग, होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सुसाइड इंक्रीजेज इन द कंट्री. ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो सब किसकी वजह से हुआ है? वी कैन से बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज. लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज हुआ, लोगों को सब चीज़ें चाहिए, तो वो सब इमोरल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, चोरी करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए चोरी करेंगे, रॉबरी करेंगे, बहुत बार मर्डर्स हो जाते हैं, बेटिंग्स मतलब पैसा लगाते हैं, होर्डिंग मैंने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट इज होर्डिंग. तो दे डू होर्डिंग टू अर्न मनी, प्रॉफिटियरिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, करप्शन यू नो पैसा लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी लेते हैं, करप्शन कम्स अप इज़न्ट इट. अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो लोगों से पैसा लेते रहते हैं, इज़न्ट इट, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा ले लिया, दैट इज़ करप्शन. और सुसाइड इंक्रीजेज इन द कंट्री. सो मॉरल डिग्रेडेशन इंक्रीज इन द सोसाइटी. सो ऑल दीज आर द वी कैन से द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस राइज. ओके, वेरी स्मॉल टॉपिक गिवन ऑन पेज नंबर 148. गो थ्रू इट एंड दिस आंसर डू कम्स फॉर योर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.